पीसों को रखेंगे ऐसे करके, तो थोड़ा सा मैंने घी भी डाल दिया इसमें, तो अब ना इन्हें ना पकाएंगे, मतलब ये सिक जाए। तो वीवर ये वही पीसेज है जो से हम लोगों ने आप लोगों के सामने मैरिनेट करके रख दिया था रेफ्रिजरेटर में। इधर रख के ना अब कोला में लेके आती हूँ। ये धुआं दूंगी ना से बहकता हुआ कोला। जी कोयला रख दिया हमने। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा कोयले का, तो बिल्कुल बारबेक्यू टाइप सा हो जाएगा ये, क्योंकि कोयले का हम लोगों ने फ्लेवर दे दिया। तो मामा अब इसको हम सिंपल ही पकने रख देंगे। हाँ जी, ये जरा सा हो जाए ना तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का टाइम भी आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन टिक्का। और चिकन टिक्का कैसे बनेगा, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अरे मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे, मैंने आधा चम्मच सूखा धनिया का डाल दिया पीसा हुआ, ये एक का मसाला का पूरा पैकेट, ठीक है। ये तीन नींबू मैंने निचोड़े थे उसका पानी, ठीक है। तीन तकरीबन चम्मच ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अब थोड़ी सी ना मैं ना घर में ना सूखी मिर्चें दादरी भी वो भी डाल देती हूँ, ज़रा अच्छा सा जायका हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं मैं सारा मिक्स कर रही हूँ ये मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके ना, लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, दही भी है, वो नींबू भी है उसका ना, मैंने ये सारा करके ना, ये देखें मैंने ये टक लगा दिए थे, ये देखें। अब ये ना मैं ना अच्छी तरह इसे ना मसाला लगाती हूँ। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि पहले मम्मा ने यहाँ पर जो सा मसाला तैयार किया है सेपरेट से, उसको एक बर्तन में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो चिकन या मतलब हम लोगों ने चार पीस करवाए मुर्गी के, ठीक है। और तो उसको वन बाय वन ये देखें वन बाय वन लेकर इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर जो सा है वो लगाना है, यानी कि इसकी मैगिनेशन करनी है हम लोगों ने एक साथ। हम लोगों ने ऐसे इसके साथ नहीं मतलब डाल के चीज़ें इसको मैगिनेट कर देना, हम लोगों ने पहले सेपरेट से चीज़ों को मैगिनेट करना है, अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद हम लोगों ने जो सी है इसके ऊपर इस जो पेस्ट को है लगाना है। और पेस्ट लगाने के बाद हम लोगों ने अच्छे से इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है कि इसका मतलब बाहर ही नहीं फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। कितनी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे? अगर आपने मतलब आज बनाना है तो शाम को दो तीन घंटे के लिए रख दें, बना के एक रात के लिए भी आप रख सकते हैं। मतलब ओवरनाइट रख दें तो ज्यादा वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपने मतलब आज ही बनाना है मतलब ये सारे ना मैंने चीरों में ना ये निशानों में ना सारे डाल दिए ये मसाला, अच्छी तरह से इसकी मैगिनेशन कर देनी है, मतलब जो कट्स लगे हुए हैं उनके अंदर अच्छे से इसकी फिलिंग कर देनी है, अच्छे से इसको कवर कर लेना है। जितना ज्यादा देर आप इसको कवर करेंगे उतना ही अच्छा जो सा है वो आपका चिकन टिक्का वो तैयार होगा, बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह, आप बना के देखें। तो बहुत इजी रेसिपी है, स्पाइसेस हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और अब हम लोग इसको वैसे मतलब ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन अगर आपने आज ही बनाना है आज ही खाना है तो आप वो भी मम्मा ने आपको आइडिया देते दो से तीन घंटे के लिए आप जो सा है उसको बना कर छोड़ सकते हैं। हाँ जी, ये देखें मैंने ना अच्छी तरह ना मसाला ना लगा दिया, ये देखें और अच्छी तरह ये नहीं जी अच्छे से इसकी होगी है मैगिनेशन। हाँ जी, ये देखें तो अब इसको छोड़ते हैं हम लोग और उसके बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा दिन देखना, चिकन टिक्का जो सा हम लोग आपके सामने बनाने जा रहे हैं वो कैसे फाइनल होगा। चले ये ना मैं ना अब ये पीसों को रखेंगी ऐसे करके, तो थोड़ा सा मैंने घी भी डाल दिया इसमें, तो अब ना इन्हें ना पकाएंगे, मतलब ये सिक जाए। तो व्यूअर्स, ये वही पीसेज है जो से हम लोगों ने आप लोगों के सामने मैरिनेट करके रख दिया था उसको रेफ्रिजरेटर में। तो अब मम्मा ने हल्का सा मतलब ग्रीस किया है पैन को कुकिंग ऑयल के साथ,
और जो से पीस हैं वो रख दी हैं इसके अंदर। तो मैंने थोड़ा सा लगा के ना, मैं कोले का भी ना इसे लगाती हूँ दम। ये देखिए जो थोड़ा सा मसाला था ना, वो मैंने कहा क्यों ज़ाया करना, वो भी मैं बीच में डाल देती हूँ। ये देखिए बस डाल दिया मैंने। ठीक है जी, तो कोयला हम लोगों ने गर्म होने के लिए रख दिया। अब ये ना मैं प्याज इधर रख के ना अब कोला में लेके आती हूँ। ये धुआं दूंगी ना इसे दहकता हुआ कोयला। हाँ जी ये कोयला रख दिया हमने। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा कोयले का, तो बिल्कुल बारबेक्यू टाइप सा हो जाएगा ये, क्योंकि कोयले का हम लोगों ने फ्लेवर दे दिया है। तो मामा अब इसको हम सिंपल ही पकने रख देंगे। हाँ जी, ये जरा सा हो जाए ना तो मतलब तो भाप इसकी आ जाए इसे में, मतलब फ्लेवर आ जाए जो कोयले का हम लोगों ने मतलब दहकता हुआ कोयला इसके अंदर रखा था, तो उसका फ्लेवर आ जाए। तो उसके बाद फिर हम जो सा है इसको पकाते हैं। अब 5 मिनट हो गए हम खोलते हैं इसे, वो देखें अभी भी है 5 मिनट बाद भी खोलेंगे। हाँ जी ये मैंने निकाल दिए, अब ना मैंने ना पकने के लिए, तो धीमी आंच पे हम लोगों ने पकने के लिए रखना है। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं जो सा चिकन टिक्का आज हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम लोगों ने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया था। और आप देखिए मतलब जो मसाला है वो भी तैयार होना शुरू हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा आ रही है। और एक दफ़ा हमने कहा आपको उसका लुक भी दिखा दें कि कितना अच्छा ये लग रहा है। ये देखिए अभी फुली कुक नहीं हुआ, आलमोस्ट हाफ कुक हो गया, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। जो सा चिकन है वो भी जो सा शिलिंग होना शुरू हो गया है, तो आप लोग इसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं। अभी हम लोग इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप मज़ेदार सा जो चिकन टिक्का है, जो आप होममेड चिकन टिक्का बा आसानी अब घर में कुकिंग विद नाज़नीन के थ्रू सीख रहे हैं बनाना, बना सकते हैं। ये मतलब आप बारबेक्यू लाइक सीख पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको देचकी में मतलब घर में, क्योंकि आप लोगों के पास अगर अंगीठी की सहूलत नहीं है या बारबेक्यू का सामान नहीं है आपके पास, तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग इस तरह की चीज़ें बनाकर घर में इंजॉय नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज हमने आपके लिए वो तरकीब यूज़ की है, वो तरीका इस्तेमाल किया है जिसके ज़रिए आप आसानी घर में जो सा चिकन टिक्का वो विदाउट बारबेक्यू या जो मतलब सींख वगैरह के बगैर आप लोग इसको एक बर्तन में घर में बना सकते हैं। हम लोग देख रहे जो चिकन हम लोगों ने बनाया था वो फाइनल हो गया। हाँ जी, और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। और आप देख सकते हैं मतलब चिकन जो वो भी गल गया है और कलर भी बहुत प्यारा आ गया। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, ये आप लोग देख सकते हैं हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक, बहुत मज़ेदार सा जो सा चिकन है वो तैयार हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे हम लोगों ने फ्राइज़ बनाए हैं और साथ में ये है प्याज सिरके वाली, और हम लोगों ने थोड़ी सी पर केचप जो सी स्प्रेड कर दी है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी है बिल्कुल माउथ वाटरिंग है, मेरे तो देख के मुँह में पानी आ गया और मुझसे जो सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, दिल कर जल्दी से मैं इस रेसिपी को खा लूँ। तो व्यूअर्स आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आप लोग ज़रा करीब से देखें ये कितना मज़ेदार लग रहा है, जो सा कलर भी आ गया है। और हम लोगों ने आप लोगों के सामने और स्पेशली हम लोगों ने जो एक स्मोक का इसके अंदर दिया था ना, मतलब जो मतलब कोयले का हम लोगों ने इसके अंदर फ्लेवर दिया वो भी आ रहा है, तो वो भी टेस्ट बहुत अच्छा है। उसके अलावा ओवरऑल जो सा स्पाइसेस है वो बहुत मज़ेदार है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी है जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है चिकन टिक्का के आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। और व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।